साइटिका का पांचवा भाग, चार भाग मैंने बता चुका है पार्ट वन टू थ्री, उसके बाद फोर फाइव जो ये सब जो चल रहा है या इसके बाद जो आएगा वो सब फिटनेस के लिए, उधर जो मैंने बताया वो ट्रीटमेंट के लिए, अब जो बताया कि हमेशा ठीक रहने के लिए, जिनको तकलीफ इस तरह की है वो करेंगे उनको तो ठीक हो जाएगा और हमेशा ठीक रहेगा, और जिनको इस तरह की कभी तकलीफ नहीं हुई है तो वे जब ये एक्सरसाइज करते हैं तो उनको इस तरह की तकलीफ कभी नहीं होगी, उससे बचे रहेंगे। आप करेंगे सबसे पहले थोड़ी गर्दन को ये आराम से 5 से 10 बार मूवमेंट करें, फिर गोल गोल घुमाए, थोड़ा वार्म अप करिए, उसके बाद आहिस्ता उठाया छोड़ा, झटका नहीं, उठाया फिर छोड़ा, फिर इसको गोल गोल घुमाए, फिर उल्टा गोल गोल घुमाया, उसके बाद पैर के पंजा ऊपर नीचे, या देखिए हील को उठाया पंजा को उठाया इस तरह से 10 बार, फिर अंदर बाहर ये 10 बार। अब उसके बाद 1 2 ये कम से कम 10-10 से 25-25 तक आप कर सकते हैं, ये पूरा उठाएंगे। उसके बाद दोनों हाथों कैसे पकड़े क्रॉस वाइज, हल्का एकदम झटका नहीं, बॉडी बिल्कुल लूज, ये 10-10 बार। उसके बाद फिर उल्टा, ये 10-10। उसके बाद कमर को गोल गोल घुमाएंगे, ये 10 बार, फिर इधर से 10 बार। उसके बाद हाथ का एक्सरसाइज थोड़ा, चूंकि लेटे लेटे बहुत दिनों तक जो रेस्ट होता है या लिमिटेड एक्सरसाइज किया जाता है तो बॉडी इनएक्टिव होने लगता है, तो सबको एक्टिव करना है, इसलिए ये 10 से 25 बार, पहली बार जब करेंगे तो 10-10 बार ही करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर इसको घुमाया 10-10 बार, फिर ये घुमाया 10-10 बार। उसके बाद ये इसमें प्राय लोग क्या करते हैं, पीछे की तरफ झटका मारते हैं, आप देखिए पीछे नहीं जा रहा बल्कि ऊपर की तरफ टांगना, ऊपर ऊपर करेंगे सीधा हो जाएगा। उसके बाद विथ ब्रीदिंग ये अंत में देखिए रिस्ट को टाना जा रहा है, फिर ये, उसके बाद ठीक 5 तरह का हाथ का हो गया, 5 तरह का पैर का, एक पैर को पीछे रखा ये उठाया, फिर ये, इसे भी 10-10 शुरू करेंगे। उसके बाद फिर ठीक इसी तरह सीधा, ये 10-10 पहले 10-10 शुरू करेंगे, उसके बाद 2-2 हफ्ते में 5-5 करके बढ़ा सकते हैं, 25 तक करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए अब इसके बाद एक फिर इसको वापस, इसे भी अप एंड डाउन, जैसे 1 2 इस तरह से 10 टाइम्स कंप्लीट करेंगे, ठीक इसी तरह ये। उसके बाद इससे पहले जो मैं बता चुका हूं वो आएगा, इसमें मैंने ये ऐड किया है पार्ट 4 में, मैं बता चुका हूं उससे पहले साइड में, ये पटकना नहीं चाहिए, झटका, लोग ट्राई क्या करते उठाया पटक दिए, नहीं उठाया वापस रखना है, उठाया रखना है, इससे भी 10 बार, ठीक इसी तरह ये वापस आहिस्ता रखें। उसके बाद अब जो पैर के चलाएंगे, जैसे सामने से चला रहा था सामने चलाना है तो पैर पीछे है, लेकिन जब पीछे चलाएंगे तो पैर सामने होगा, पंजा हल्का ऊपर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद दूसरे पैर को, इसे भी बहुत से लोग क्या करते हैं, इसमें गलती क्या होती है, बॉडी को पीछे करते हैं, नहीं हिप्स एकदम सीधा, जितना उठे थोड़ा ही सा है लेकिन ये करें। उसके बाद साइड बेंडिंग 10-10 सेकेंड होल्ड करके फैलेंजेस को देखेंगे, फिर रोके, ये 3-3 बार मात्र करेंगे 10-10 सेकेंड रोक करके। उसके बाद देखिए ट्विस्ट करेंगे, दोनों पैर का पंजा अंदर, पैर के पंजे को अंदर कर दिए, उसके बाद ट्विस्ट, ट्विस्ट का पोजीशन देखिए, दूसरा हाथ में वहीं पे
इससे भी 10-10, 20 बार। अब उसके बाद दोनों हाथों को हिप्स पर रखें, पैरों के बीच 2 फुट के करीब गैप होना चाहिए, झुका रुका आहिस्ता 10 सेकेंड, फिर आहिस्ता उठेंगे। अब इसमें देखिए एक उठने का एक टेक्निक है जो कमर में बिल्कुल परेशान नहीं पड़ेगा। जैसे उठा लोग कमर का फोर्स से उठ जाते हैं, लेकिन इसके बचने का और भी बेहतरीन तरीका है। जब हम डाउन हो गए, ये पैर है बेंड है, हल्का बेंड करेंगे, पैर को सीधा किए, सीधा कर दिया, अपने आप आ जाएगा, कमर पे जरा भी प्रेशर नहीं पड़ा। फिर ये वो होल्ड कर 10 सेकेंड, फिर पैरों को सीधा किए, पैर के पंजा को दबाए रखेंगे, बैलेंस बिगड़ेगा नहीं। अब उसके बाद दोनों पैरों को सटा दें, हाथों को सीधा ऊपर की तरफ टांग कर रखें, सांस छोड़ते हुए धीरे से लाए जितना होता है। उसके बाद फिर आहिस्ता पीछे नहीं ले जाओ, ऊपर की तरफ, फिर आहिस्ता सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। लेने का एहसास भले जोरदार ना हो, लेकिन छोड़ने का एहसास होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं जबरदस्ती आप नीचे दबाने की चेष्टा करें, और ये देखना झुका जितना एक ही एक्शन में, फिर कोई उठ गए तो जब भी ऐसे डाउन होंगे उठते समय पैर के पंजे को उसको दबा कर रखेंगे, उसका फोर्स से उठ जाएंगे। अब फिर सामने झुकने वाला हुआ, बहुत दिनों से आप झुक नहीं रहे थे, अब इसके बदले में फिर इसका क्या करना है, फिर थोड़ा सा बैक बेंड कर दिए, फिर छोड़ दिए, ये मात्र 3 बार करेंगे। अब उसके बाद लेट गए, लेट गए, ये टोस का जो मूवमेंट करते हैं 10 बार, ये 10-10, या फिर एक ही पैर को कंटिन्यू 10 फिर 10, उसके बाद गोल गोल 10-10 बार। अब उसके बाद एड़ी को बाहर की तरफ खींचेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर दूसरे पैर को बाहर की तरफ, फिर धीरे छोड़ेंगे, ये 5-5 बार। अब ये सब रोककर उसके बाद आहिस्ता ऊपर उठाए, रोका, फिर आहिस्ता छोड़ दिए, ठहर गए, फिर दूसरे पैर को सीधा ऊपर उठाया, रोका, फिर आहिस्ता से नीचे रखा, फिर छोड़ दिया, ये 5-5 बार करेंगे। उसके बाद ठीक इसी तरह थोड़ा उठाया, साइड में ले गया, वापस लाया, फिर ठहर गया, ठीक दूसरे पैर को इधर किया, फिर वापस, फिर ठहर गया। तो पहले ऊपर 5 बार रोक रोक कर अल्टरनेट, फिर उसके बाद साइड वाइज अल्टरनेट, जितना हो ज्यादा ऊपर नहीं करना है, सिर्फ ये देखिए मूवमेंट करने लायक हाई करना है, कंट्रोल, जब एड़ी नीचे रखाया फिर धीरे छोड़ दे, 2-3 सेकेंड ठहर गए, फिर दूसरे पैर को उठाए, फिर ले गए, फिर वापस। उसके बाद दोनों पैरों को फोल्ड कर लें, जो पहले भी बताया गया है वही एक्सरसाइज है, ये उठाए फिर वापस छोड़ दिए। अब इसका तरीका ये है, थोड़ा हाथों को और दूर तक फैला दिए, अब उठाए, सांस लेकर उठाए, जितना रोक सकते हैं रोके, उसके बाद आहिस्ता से छोड़ दिए, इसे भी 5-7 बार ही करेंगे। उसके बाद एक पैर को दबाया, रोका, ठहर गए, सांस छोड़ करके इसे भी 5 बार, फिर वापस छोड़े, फिर इसे टाना, रोका, फिर छोड़ दिए, फिर टाना, रोका, फिर छोड़ दिए, इसे भी 5-5 बार। उसके बाद ये पैर को घुटने के करीब रखेंगे, हाथ कंधे से ऊपर नहीं, कंधे के बराबर या इसे नीचे रखेंगे। अब उसके बाद ट्विस्ट किए, पंजे को दबा करके एड़ी को उठाकर हिप को, एक हिप को प्रेस करेंगे, इसको नीचे नहीं दबाना है, नी को वॉल, ये हिप को वॉल की तरफ और नी को नीचे की तरफ, देखिए प्रेस किए, बॉडी पूरा लूज है, आहिस्ता फिर वापस ठहर गए, एक घुटना के बगल में उसके बराबर में दूसरे पैर का पंजा टिका हुआ है,
हल्का टर्न हुए, हम टर्न नहीं होंगे, सिर्फ हिप्स को प्रेस कर रहे हैं, तो पंजे का फोर्स है। सांस छोड़ करके 10 सेकंड रुकने के बाद उसके बाद ये सीधा किए, फिर इसको ठीक इसी तरह फिर रोक दिए, फिर उसके बाद ये, अब इसके बाद फिर उठ गए वापस, दोनों हाथों को जैसे पहले बताया था वैसे किए, एक पैर को सीधा उठाया रोका फिर छोड़ दिया, फिर उठाया रोका फिर छोड़ दिया, उसके बाद पांच पांच करने के बाद दोनों पैरों को बैंड कर लिए। देखिए पंजा का पैर का पंजा का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, एक पैर को हल्का उठाया आहिस्ता से वापस छोड़ा, फिर उठाया वापस छोड़ा, फिर धीरे धीरे पटकेंगे नहीं, फिर आहिस्ता। अब उसके बाद दोनों हाथों को पीछे सांस लेते हुए ऊपर फिर वापस ढीला, फिर उठाया फिर ढीला, उसके बाद जो करते हैं ये पहले बताया गया ठीक उसी तरह ये एक्सरसाइज ये जरूर करना है, उसके बाद ठहर गया, उसके बाद दोनों हाथों को ऐसे दबाया जो पहले बताया गया वही एक्सरसाइज है, घुटने को स्ट्रेच करेंगे फिर वापस छोड़ेंगे, घुटने को स्ट्रेच करेंगे फिर वापस छोड़ेंगे, उसके बाद मूवमेंट। अब इसके बाद फिर सीधा हो गए, सीधा होने के बाद एक एक करके दोनों पैरों को दबाएंगे हल्का लूज, पैर बिल्कुल लूज दबा के रोक के ठहर गए, फिर टाना रोका फिर ठहर गए, उसके बाद जैसे इससे पहले ट्विस्ट बताया था ये अलग तरीके का ट्विस्ट है, हाथों को खोलकर बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, हाथ का पंजा नीचे की ओर, ये सिर्फ टर्न करना, ऐसे ऐसे लोग करते हैं ऐसे नहीं करना है, एक्चुअली ये ऐसे डाउन किए, देखिए पैर के पंजा को फॉलो किए, खेच दिया हल्का सा, लेकिन ज्यादा रुकना नहीं है, एरी उठा करके पुश करेंगे हिप को, ये पांच पांच बार कर लिए, उसके बाद दोनों पैर को बीच में गैप थोड़ा हल्का हल्का मूवमेंट किए। अब ये कभी एक्सरसाइज के बाद 10 मिनट लेट जाए फिर जैसे चाहे अब उसके बाद उठ जाए, तो ये एक्सरसाइज यानी आपने जब 1 2 3 4 कर चुका है तब आपके लिए ये फिट है, फिट पार्ट तब आप करेंगे, तो एक बार भी यदि डेली करेंगे या हफ्ते में 6 दिन तो भी काफी है, लेकिन इसको करते रहें, और ये नहीं कि जैसे ठीक हो गया, इसमें तरीका क्या होता है इसका फिर और खुलासा बताऊंगा, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत से लोग देखते हैं काफी थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है 60% 80%, तो समझते हैं ठीक हो गया बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो छोड़ने का भी एक तरीका है, जाहिर है कि हर कोई एक्सरसाइज लाइफ टाइम नहीं करेगा, तो छोड़ना है एक्सरसाइज तो कब छोड़ना और कैसे छोड़ना है उसके लिए भी मैं तरीका बताऊंगा, पहले आप इसे कीजिए आप पूरी तरह ठीक हो जाए, और जैसे फायदा हो लोगों को भी बताए और भी लोग इससे फायदा उठा पाए। थैंक यू।